गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो प्रॉब्लम्स है, लास्ट क्लास में हमने तीन आई थिंक मेरे हिसाब से तीन प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। एक पहला प्रॉब्लम था सॉलिड सिलेंडर का, दूसरा प्रॉब्लम था हॉलो सर्कुलर लैमिना का, जो थर्ड प्रॉब्लम था वो ट्रायंगल का था, और अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो भी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हम कवर करने वाले हैं। So, the fourth problem is, first I will write down the statement of the problem. Problem का पहले मैं statement यहाँ पे लिखूँगा, after that हम problem का solution find out करेंगे, okay? So, first, fourth problem is, an isosceles triangle and an isosceles triangle, triangle को मैं directly ऐसे triangle का symbol निकालता हूँ, an isosceles triangle सेक्शन, मतलब ये एक ट्रायंगुलर सेक्शन है, आइसोस्केलिस ट्रायंगुलर सेक्शन है, आइसोस्केलिस ट्रायंगुलर सेक्शन दैट इज ए बी सी हैज बेस विड्थ, हैज बेस विड्थ, उसकी बेस की विड्थ कितनी दी है प्रॉब्लम में मेंशन की है, दैट इज 80 mm, एंड हाइट, एंड हाइट दैट इज 60 mm, उसकी बेस मतलब जो ट्रायंगुलर पोर्शन होगा उस ट्रायंगुलर पोर्शन का बेस हमको पता है, बेस इज 80 mm एंड हाइट इज 60 mm। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन एंड द बेस बी सी, एंड द बेस बी सी। So, इस प्रॉब्लम को पहले अच्छी तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल पहले निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द आइसोस्केलिस ट्रायंगल। सो अभी मेरे पास, मैंने एग्जैक्ट डायमेंशन लेके नहीं निकाला है, बट आइसोस्केलिस ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये साइड्स और ये साइड्स और ये साइड्स, ये तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो सबसे लास्ट अगर आप देखते हो, हमको फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द सीजी। सो इसका सीजी कहाँ पे होगा, उसका सीजी हम इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब उसके मीडियंस अगर ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो जहाँ पे कट हो जाएंगे वो क्या होगा, उसका सीजी का पॉइंट होगा, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। सो जो हमारा एक्स एक्सिस होगा, सो एक्स एक्सिस यहां से अगर पास होता है तो सिंपली हमको पूछा क्या गया है, आई एक्स एक्स फाइंड आउट करना है, और अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट द सेक्शन, ये फाइंड आउट करना है, और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस बी सी। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि इसका बेस क्या होगा, बी सी होगा, तो ऑब्वियसली एक ही पॉइंट बचता है, तो एक पॉइंट क्या होगा, वो हमारा ए पॉइंट होगा। सेकंड चीज, तो बेस तो पता चल गया हमको, बेस की जो विड्थ है, बेस की विड्थ उन्होंने मेंशन की है प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में, हमको बेस की वैल्यू पता है, दैट इज 80 mm, दैट इज 80 mm, और उसकी जो हाइट है वो हाइट भी उन्होंने प्रॉब्लम में मेंशन की है, दैट हाइट इज 60 mm, it is 60 mm. So first I will write down the given data here. We know the B equal to 80 mm, and that H is equals to 60 mm. यहाँ तक clear है? So पहले हमने क्या किया है? एक isosceles triangle को consider किया है ABC, जिसका जो base है, वो base कितना है? 80 mm है, और height कितनी है? 60 mm है। हमको यहाँ पे दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। फर्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
मतलब पहला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है वो कहाँ पे फाइंड आउट करना है, अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो ऑब्वियसली जो एक्स एक्स एक्सिस होता है, मतलब जिसको हम सेंट्रोइडल एक्सिस बोलते हैं, वो तो सेंट्रोइड से ही पास होता है। सो पहले हम क्या करेंगे, आई एक्स एक्स और उसको हम आई जी भी बोलते हैं, आई एक्स एक्स इजिकल्स टू आई जी, ये हमको पहले फाइंड आउट करना है। और दूसरा बोला है एंड अबाउट द बेस, अबाउट द बेस बी सी, तो उसके बेस के अलोंग भी हमको उसका क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट क्या करेंगे हम, दैट इज टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सेक्शन, गिवन सेक्शन अबाउट सीजी, अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो दैट इज इक्वल टू आई एक्स एक्स। सो आई एक्स एक्स इक्वल टू फार्मूला क्या होगा हमारा, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 36। ऑब्वियसली ये एक सिंपल आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, तो सिंपल आइसोस्केलिस ट्राइंगल का उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फार्मूला होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होगा, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 36। सो इट इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय, अभी उसका बेस कितना था, बेस इज 80। नाउ एच क्यूब, यहां पे एच की वैल्यू कितनी है, 60 क्यूब डिवाइडेड बाय 36। सो इसका जो कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट आपको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके देता हूं। देखो यहां पे 80 आएगा, 60 into 60 into 60 क्लियर, डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 36। सॉरी लास्ट वन इज 60, बाय मिस्टेक आई हैव राइट हियर 36, सो हियर इज आल्सो 60। ओके, तो यहां तक क्लियर है। सो सिंपली मैंने क्या किया है, 80 मल्टीप्लाइड बाय 60 क्यूब। सो 80 मल्टीप्लाइड बाय 60 क्यूब कितना आ रहा है, तो जो भी होगा वो कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन आपको करना है और उसको डिवाइड बाय 36 करना है। सो डिवाइड बाय 36 करने से पहले आप दो से डिवाइड भी कर सकते हो या फिर चार से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 9 36 हो जाएगा और इधर 4 2 8 और 0 मतलब 20 आ जाएगा। फिर अगेन आप उसको 3 से डिवाइड करके, वो कैलकुलेशन का पार्ट आपको करना है, ठीक है, उतना डिटेल्स में मैं आप लोगों को नहीं बताते नहीं बैठूंगा, राइट। सो सिंपली इसका आंसर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आएगा 480 मल्टीप्लाइड बाय 10^3 mm^4, ओके, सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ आई एक्स एक्स। ये होगा आपका पहला आंसर, ये होगा आपका फर्स्ट आंसर, क्लियर। नाउ सेकंड हमको क्या पूछा गया है, टू फाइंड, यहां पे लिखता हूं, टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सेक्शन अबाउट बेस। सो जो भी उसका बेस होगा, अभी उसका बेस हमने क्या कंसिडर किया था, बी सी उसका बेस कंसिडर किया था, तो इसका भी बेस का भी फार्मूला देखो, इज इक्वल्स टू आई बेस। सो आई बेस का जो ट्राइंगुलर का फार्मूला था, ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ट्राइंगल का फार्मूला फॉर द बेस, उसका फार्मूला कैसे था, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 12, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे जो b है, वहां पे b की वैल्यू हमको पता है, b इज 80 mm एंड h इज अगेन 60 क्यूब। सो सिंपली आई विल राइट 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 12 आएगा। सो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो 12 1 1 12 5 60 12 1 12 12 5 60, सो इट विल बी 80 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली आपको आंसर आएगा, दैट विल बी, मैं यहाँ पे पॉइंट में लिख रहा हूँ, 1.44 × 10^6। अभी मतलब बहुत सारे जीरोज आते होंगे, तो सिंपली मैं उस जीरो को 10^ के इसमें लिख सकता हूँ, दैट इज 10^6 mm^4। मतलब एक्चुअली में इसका आंसर क्या आ रहा है, 144 और बहुत बड़ा आया होगा उसका कुछ, तो मतलब मल्टीप्लाई करोगे ना,
80 को पहले क्या करो, सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, फिर उनके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, फिर उसके बाद इसके आंसर के साथ इसके आंसर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपको आंसर इजी चला जाएगा। मल्टीप्लीकेशन के जो भी ट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन के ट्रिक्स वगैरह सब, वो सब आप लोग देखिए, क्लियर। सो दैट इज द फोर्थ प्रॉब्लम। ये दोनों हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला था, दैट इज फर्स्ट वन इज वी हैव टू फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेक्शन अबाउट द सीजी, एंड सेकंड वन इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस बीसी, उसकी वैल्यू कितनी है, दिस मच इज द वैल्यू ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव होते हैं। पहले नेक्स्ट जो फिफ्थ प्रॉब्लम है, मैं उसका स्टेटमेंट यहां पे लिख देता हूं। द स्टेटमेंट ऑफ द फिफ्थ प्रॉब्लम इज कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ ट्राइंगल, कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ ट्राइंगल। आपको जब आप जब नोटबुक में लिख रहे हो ना, तो आपको प्रॉब्लम का स्टेटमेंट भी लिखना है और उसका सॉल्यूशन भी लिख के लेना है, ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ हाइट 100 mm अबाउट एन एक्सिस, मतलब उसकी हाइट दी है हमको, अबाउट एन एक्सिस passing through the vertex, about an axis passing through the vertex, passing through the vertex and parallel to the base, and parallel to the base, parallel to the base. If moment of inertia about base is 10 raised to power 4 mm raised to 4, ये क्या हो गया, उसका moment of inertia की value उन्होंने दी है, right? So पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि एग्जैक्टली हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलॉन्ग फाइंड आउट करना है। सिंपल है ये, यहाँ पे देखो सिंपल क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फॉर अ ट्राइंगल ऑफ हाइट 100 mm, मतलब इन शॉर्ट हाइट की तो वैल्यू हमको पता चल गई, हाइट इज 100 mm। सेकंड चीज, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द वर्टेक्स, मतलब हमको एक ऐसा एक्सिस निकालना है जो कहां से पास होता होगा, वर्टेक्स से पास होता होगा। सो मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वर्टेक्स से जो एक्सिस हमारा पास हो जा रहा है उसको हम पी क्यू कंसिडर करेंगे, और ये जो पॉइंट होगा ना, दिस पॉइंट विल बी अवर वर्टेक्स पॉइंट, राइट। और दूसरी चीज क्या है, दिस एक्सिस इज पैरेलल टू द बेस, ऑब्वियसली ये जो मैंने ऐसा वर्टिकल एक्सिस निकाला है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑलरेडी किसको पैरेलल है, बेस से पैरेलल है, तो मुझे ज्यादा करने की कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू h, सो द वैल्यू ऑफ h इज 100 mm, द वैल्यू ऑफ h इज 100 mm। दूसरी चीज, उन्होंने सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, देखो, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस इज 10 raised to power 4 mm raised to 4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू उन्होंने मेंशन की है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ, आई बेस इज इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस ए बी, अभी बेस कुछ भी होगा उससे कुछ लेना देना नहीं हमको, उन्होंने मेंशन किया है 10 raised to power 4, दैट इज mm raised to 4। ओके, सो अबाउट द बेस उसकी वैल्यू कितनी दी है, 10 raised to power 4 mm raised to 4। अभी हमको फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस वर्टेक्स, और दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द आई वर्टेक्स, यहां पे लिख देता हूं आई वर्टेक्स, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो आई वर्टेक्स इज इक्वल्स टू सिंपली आई पी क्यू, पी क्यू क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि पी क्यू एक ऐसा एक्सिस है
जो कि वर्टेक्स से पास होता है, और दूसरी चीज वो क्या है, बेस जो है उस बेस को वो कैसे पैरेलल भी है। तो इसीलिए I vertex is equals to I PQ that we have to find is equals to question mark. Clear? यहाँ तक? So next अभी देखते हैं I base. अभी देखो ये find out करने के लिए, लेकिन हमको base की तो value पता नहीं है, क्योंकि जो हमको vertex का formula निकालना है या फिर moment of inertia about the vertex हमको find out करना है, तो उसमें हमको base की value चाहिए। So जब तक हमको base की value पता नहीं है, तब तक हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो इनिशियली फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर द बेस, सॉरी फॉर द बेस कैपिटल, सॉरी बेस स्मॉल बी फाइंड आउट करना पड़ता है। तो मुझे पता है आई बेस इज इक्वल्स टू, इसका फार्मूला क्या होगा, आई बेस इज इक्वल्स टू बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 12, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे आई बेस की वैल्यू प्रॉब्लम में दी गई है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, that is equal to 10 raised to power 4 is equals to b की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो b की मैं as it is रखता हूं, multiplied by h cube है यहां पे, तो h की वैल्यू कितनी है यहां पे 100, तो 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। सो सिंपली आप यहां से क्या करोगे, b equal to मैं ऐसे लिख सकता हूं, that is equals to 12 multiplied by 10 raised to power 4, so divided by 100 multiplied by 100 again multiplied by 100। तो यहाँ पे b की वैल्यू, if you solve this one, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे देखो सिंपल लॉजिक मैं आप लोगों को बोलता हूँ। सो यहाँ पे ये 10 raised to 4 और 100 यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब पूरा मल्टीप्लिकेशन जब आपका हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जब आप कंप्लीट करोगे, तो इसकी बी की वैल्यू आएगी 0.12 mm। आप सॉल्व करके देख लो, और इफ देयर इज एनी करेक्शन, गलती गलती में कभी कभी मेरा भी कैलकुलेशन गलत हो सकता है, बट इनिशियली मैं कैलकुलेटर के ऊपर भी चेक करता हूँ, तो ऑलमोस्ट सेम ही आता है आंसर, बट ये कभी कभी आप भी चेक करो, गलती से मिस्टेक मेरे से भी कभी कभी मिस्टेक हो सकती है, तो इसमें आप भी कैलकुलेशन करके, कैलकुलेटर का यूज करके, आप चेकिंग के लिए कैलकुलेटर का यूज करो। मतलब अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज करके आंसर निकालोगे ना, तो जब एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा तो एग्जाम में आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पहले आप क्या करो, कैलकुलेशन मतलब जो हम रेगुलर मेथड यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए, मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी होगा डिविजन, तो पहले हम रेगुलर मेथड से फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद कैलकुलेटर पे उसके क्रॉस चेक करो कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ओके, अगर गलत आ रहा है तो कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कैलकुलेशन पे ही अड़ी रहती है। आप फार्मूला लिख के छोड़ दोगे तो एग्जामिनर आपको 2 मार्क दे के छोड़ देगा, लेकिन अगर आपने करेक्ट वैल्यू निकाली, मतलब थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, बट अगर आपने करेक्ट वैल्यू निकाली है तो आपका आंसर वहां पे आपको 5 में से 5 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। एंड लास्ट हमको पूछा क्या गया है, हमको बेस की वैल्यू नहीं पूछी थी, हमको पूछा था आई वर्टेक्स की वैल्यू पूछी थी। सो आई वर्टेक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई पी क्यू। पी क्यू क्यों, क्योंकि पी क्यू एक ऐसा एक्सिस है जो वर्टेक्स से पास होता है और इट इज पैरेलल टू द बेस, जैसे मैंने प्रीवियस इसमें डायग्राम में आपको बताया था। और इसका फार्मूला क्या है, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 4। इसका फार्मूला क्या है, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 4। अगर आप फार्मूले की लिस्ट बना देते हो तो आपको इजी चला जाएगा। सो इसका फार्मूला क्या रहेगा, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे बी की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 0.12, एच की भी वैल्यू पता है, दैट इज 100 क्यूब बी एच क्यूब, एच का क्यूब मतलब 100 का क्यूब होगा, डिवाइडेड बाय 12। सो इफ यू सॉल्व दिस वन, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको आई वर्टेक्स इज इक्वल्स टू आई पी क्यू, इसकी वैल्यू आपको मिलती है 3 into 10 raised to power 4 mm raised to 4। सो इस प्रकार से आपको ये प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपको फार्मूला, एग्जैक्ट फार्मूला पता होना चाहिए,
कि कब बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 36 का यूज करना है, कब बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 12 का यूज करना है और कब बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 4 का यूज करना है। क्लियर? जैसे आपको फार्मूला पता चलेगा तभी आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द सिक्स्थ वन, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट आई विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। इक्वी का मतलब क्या होता है? सेम। और लैटरल का मतलब क्या होता है? साइड। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 मीटर, ऑफ साइड 2 मीटर अबाउट इट्स बेस, अबाउट इट्स बेस। क्लियर? सो पहले हम क्या करते हैं, इसकी डायग्राम निकालते हैं। सो यहां पे क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो अभी आप अकॉर्डिंग टू द स्केल निकालना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। मेरा थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, राइट? और उन्होंने मेंशन क्या किया है कि उसका जो बेस है वो बेस का डायमेंशन दे हैव गिवन, दैट इज इक्वल टू द 2 मीटर। ये कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट। अभी जो हमको बेस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, सो बेस के अलोंग जब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमको बेस के अलोंग फाइंड आउट करना पड़ता है तो उसका फार्मूला क्या है? बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 12, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 12। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, अगर फार्मूला देखते हो तो वहां पे एच भी आता है, हाइट भी आता है। तो हमको बेस का तो वैल्यू पता है, बेस की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। वो तो प्रॉब्लम में मेंशन की गई, लेकिन हमको एच का फार्मूला पता नहीं है। एच कितना है वही हमको पता नहीं है। सो एच कैसे निकालेंगे? एच इज फाइंड आउट बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम या फिर बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री। तो एच निकालने के लिए एच क्या होता है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा दैट इज एच। तो अगर मैं एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डालता हूं तो इतना डिस्टेंस कितना होगा? दैट विल बी 1 मीटर। और इधर का इतना डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली 1 मीटर होगा, राइट? और ये हाइपोटेन्यूस तो पता है, ये भी 2 मीटर होने वाला है और ये भी कितना है? 2 मीटर है। अभी देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? जितने भी तीनों एंगल्स होते हैं ना, वो तीनों एंगल सेम होते हैं। ये भी 60 डिग्री होता है, ओके? ये भी एंगल 60 डिग्री होता है और ये भी एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। अब जाओ आपकी ज्योमेट्री के 9th 10th की कोई भी किताब ले लो, 9th और 10th की, वहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये कंसेप्ट पढ़ लो वहां पे, तो आप वहां से आपको पता चल जाएगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के जितने भी एंगल्स होते उन सभी एंगल्स, वो एंगल्स कितने होते? 60 डिग्री होते। एंड इफ यू एड दीज 3 एंगल्स, अगर आप इन तीनों एंगल्स का एडिशन करते हो तो 60 + 60 + 60 वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगी, राइट? सो यहाँ पे अभी पहले हम क्या करेंगे? एच को फाइंड आउट करेंगे। सपोज दिस विल बी द एच। नाउ इफ आई राइट द फार्मूला लाइक दिस, दैट इज टैन 60 इज इक्वल टू, नाउ टैन 60 का फार्मूला क्या होता है? टैन 60 इज इक्वल टू, या आई एम कंसिडरिंग दिस एंगल, सो टैन 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड, अपोजिट साइड इज एच डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, सॉरी tan theta equal to क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अभी एडजेसेंट साइड कितनी है? यहाँ पे 1 मीटर है। एडजेसेंट साइड दिस मच, जिसको मैंने थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, ओके? सो हाइपोटेन्यूस साइड डिवाइडेड बाय
एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कितनी है, वन है, क्लियर। सो सिंपली मैं लिख सकता हूं यहां पे h इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय टेन 60, राइट, 1 डिवाइडेड बाय टेन 60। सो अगर आप टेन 60 को पॉइंट में फाइंड आउट करोगे तो पॉइंट में उसका आंसर आएगा दैट इज 1.73। कितना आएगा, पॉइंट में फाइंड आउट करना है, रूट 3/2 जो भी होगा, सो उसको हमको पॉइंट में फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट में फाइंड आउट करने के बाद आपको इतनी वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 1.73 मीटर। अभी हम इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, जो भी बेस होगा उस बेस के अलोंग, जो भी अभी मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था दैट इज बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 12, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 12। सो बी बेस इज 2 मीटर, हाइट, हाइट अभी हमने फाइंड आउट की थी दैट विल बी 1.73 क्यूब है। सो 1.73 का क्या होगा, यहाँ पे क्यूब होगा डिवाइडेड बाय 12। सो सिंपली आपको इसका कैलकुलेट करके उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, राइट। सो जो मेरा आंसर है वो मेरा आंसर आ रहा है 0.862 मीटर रेस टू 4। अभी देखो यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम है, उस हमारे प्रॉब्लम में यहाँ पे यूनिट की क्या दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। सो दैट्स व्हाई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो भी हमको किस में मिलेगा, मीटर रेस टू 4 में ही मिलेगा, क्लियर। सो इस तरीके का ये प्रॉब्लम हमको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देखो प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, सिंपली फार्मूले रखना है, फार्मूले याद करना है, और फार्मूले को याद करने के बाद जो भी वैल्यूज हमको प्रॉब्लम में दी गई है उस वैल्यू को वहां पे क्या करना है, पुट करना है। जैसे आप उस वैल्यू को वहां पे पुट करोगे सो सिंपली कैलकुलेशन का पार्ट यहाँ पे डिफिकल्ट होगा आपके लिए। सो उस कैलकुलेशन का पार्ट निकाल के आपको सिंपली क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो द प्रॉब्लम नंबर 7 इज एन एलिमेंट ऑफ ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड एलिमेंट ऑफ ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड एलिमेंट ऑफ ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन हैज बेस ऑफ has base of 50 mm, has base of 50 mm and height of 60 mm. Calculate the moment of inertia or find moment of inertia about centroidal axis, about centroidal axis parallel to its base. क्लियर। पहले प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट को पहले आप अच्छी तरीके से समझ लो। एन एलिमेंट ऑफ ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन हैज बेस ऑफ 50 mm, मतलब जो बेस होगा, बेस दे हैव मेंशन दैट इज इक्वल टू 50 mm, मतलब यहां से लेके यहां तक जो भी डिस्टेंस होगा। प्रॉब्लम में डायग्राम मेंशन नहीं की जाएगी, प्रॉब्लम का सिर्फ स्टेटमेंट ही होगा, डायग्राम हमको सोल्यूशन में निकालना पड़ेगा, राइट। और हर प्रॉब्लम में आप लोगों को पहले डायग्राम निकालना कंपलसरी रहेगा, क्योंकि डायग्राम के थ्रू ही आप, मतलब जो भी एक्सप्लेन करने वाले हो, जो भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा, पहले आपको डायग्राम फाइंड आउट करने पड़ेगी, सॉरी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम निकालना पड़ेगा। सो आफ्टर ड्रॉइंग द डायग्राम, मतलब डायग्राम कंप्लीट होने के बाद ही आप क्या करो, जो भी आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को निकालना है, ओके। सो सिंपली यहां पे क्या आएगा, ये बेस कितना दिया हुआ है, द बेस ऑफ 50 mm, और उसकी जो हाइट है
हाइट भी उन्होंने मेंशन की है, द हाइट इज 60 mm। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे निकालना क्या है वो अच्छी तरीके से समझ लो। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस सो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का जो सेंट्रोइडल एक्सिस होगा या फिर ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा वो सेंट्रोइड कहां पे होगा, यहां पे होगा। सो यहां से हमको एक एक्सिस पास करना है, तो अभी वो जो एक्सिस पास होगा वो एक्सिस वर्टिकली भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। सो उसका मतलब वर्टिकल होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, उसका आंसर हमको नेक्स्ट अगर हम रीड करते तब मिलेगा। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू इट्स बेस। बेस को पैरेलल होना चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर हम वर्टिकल निकालते तो ये तो बेस को परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे हॉरिजॉन्टल निकालते तो क्या हो जाएगा, हमारा कंडीशन भी वहां पे सेटिस्फाई हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस निकालते हैं जो कि पास होगा, कहां से पास होगा, थ्रू दिस सेंट्रोइड। सो ये एक्सिस के अलोंग, मतलब इसको हम कंसीडर करेंगे एक्स एक्स एक्सिस। नाउ दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो यहां पे हम कंसीडर करते हैं, यहां पे हमको वैल्यू पता है, जो वैल्यू पता है वो पहले लिख देंगे हम, दैट इज बेस इक्वल टू 50 mm एंड हाइट इज इक्वल टू 60 mm। And what we have to find, that is IXX equal to IG, that we have to find out. यहाँ पे IXX equal to IG क्यों लिखा हुआ मैंने, क्योंकि IXX मतलब ये यहाँ पे क्या है, that is IXX is equals to moment of inertia about the centroidal axis. Moment of inertia about the centroidal axis. Parallel to its base, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, that is IXX is equals to IG, which is equals to moment of inertia about the centroidal axis parallel to its base, clear? तो उसका जो फार्मूला हो, फार्मूला तो हम सबको पता है, that is IXX is equals to IG is equals to BH cube divided by 36. So BH cube divided by 36, B तो हमको पता है, how much is the base? उसका base था 50 mm, और जो हाइट थी वो हाइट कितनी थी 60, और यहां पे क्या करना है हमको 60 का क्यूब करना है डिवाइडेड बाय 36। सो सिंपली जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो आपको IXX की वैल्यू मिलेगी, IXX इज इक्वल्स टू, और IG इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू पावर 3 mm रेस टू 4। क्लियर? तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना, राइट? आई विल गिव वन क्वेश्चंस टू यू, इस क्वेश्चन का आंसर आपको, मतलब मैं पांच एक आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ तुरंत, मतलब वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको तुरंत, मतलब जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तभी आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है, बाद में सॉल्व करके कमेंट नहीं करना है, ओके? ये क्वेश्चन नंबर 7th जो होगा, दैट इज अभी आपको तुरंत सॉल्व करना है, मैं एक 5 से 10 मिनट यहाँ पे वेट करूंगा। सो जो जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, तो तुरंत आपको क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे उसको क्या करना है, कमेंट करके उसका आंसर बताना है, जो भी आएगा। mm रेस टू 4 आपको लिखते नहीं आएगा, या फिर 10 रेस टू पावर 6 नहीं लिखते आएगा, तो जैसे भी आएगा वैसे आप वहां पे कमेंट में लिखो, ओके? इट इज सिमिलर प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये आपको करने के लिए दे रहा हूँ। एंड equilateral triangle has side of 150 mm, that is 150 mm. Find the moment of inertia
अबाउट इट्स, अबाउट इट्स एनी वन ऑफ द साइड, एनी वन ऑफ द साइड्स। मतलब सिंपली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहां पे हमको निकालना है आई ए बी, या फिर आप बेस के अलोंग निकालो किसी भी, सिंपल है। यहां पे क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का आप किसी भी साइड से बोला है, किसी भी साइड से मतलब अगर आप बेस से भी निकालते हो तो वो किसी भी साइड का बन जाएगा। मतलब सिंपली यहां पे आपको फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स बेस। इसकी वैल्यू आपको अभी तुरंत इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, इमीडिएट जस्ट सॉल्व इट। मैं आप लोगों को एक 10 मिनट का टाइम देता हूं, सो 10 मिनट के टाइम में जस्ट चेक करो आप लोगों को कैलकुलेशन का पार्ट आता है कि नहीं आता है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है पहले आप इसको सॉल्व करो। आई विल गिव द 10 मिनट्स टाइम। ओके, 10 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोगों को। 10 मिनट में जितने भी लोग लाइव है आंसर कमेंट करना है आप लोगों को। सो जस्ट सॉल्व इट, I will wait for the 10 minutes. मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, 10 minutes आप लोगों को, 10 minutes के अंदर आपको problem solve करना है. Okay? Do it fast.
राइट। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे कमेंट पे आंसर लिखा है प्रीवियस प्रॉब्लम का, उसका जो सही आंसर है दैट इज आई ए बी। ओके, जो आपको बेस के अलोंग उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था, उसका सही आंसर आएगा दैट इज आई ए बी इक्वल्स टू 4.394 मीटर रेस टू 4, ये उसका रहेगा सही आंसर। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम का फर्स्ट में क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम अलग होगा, यहाँ पे हमको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए बोला है, दैट इज कैलकुलेट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन, ऑफ सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन हैविंग 50 mm डायमीटर, हैविंग 50 mm डायमीटर। ओके, यहां पे डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं, सिंपल एक फार्मूला है, उस फार्मूले का यूज करके आप इसका सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, यहाँ पे हमको डायमीटर पता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 50 mm। सो सिंपली मैं यहाँ पे 50 mm लिख देता हूँ, और आईपी जैसे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे इंडिकेट करते हैं, हम आईपी से इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या होगा आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, ये हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ओके, और जैसे हमको पता है फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आईपी इज इक्वल्स टू पाई बाय 32 डी रेस टू 4। ओके, सो पाई की तो वैल्यू जो होगी दैट इज 22 डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज लिख दो, 32 को 32 एज इट इज, डी रेस टू 4, यहाँ पे डायमीटर कितना है 50, सो 50 रेस टू 4। इसका कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 5-10 मिनट का टाइम जा सकता है, बट अगर आप आपका क्वेश्चन पेपर देखते हो तो क्वेश्चन पेपर में आपको देखते हो तो 30 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बाद आपको बहुत सारा टाइम होता है बाकी सारा, और प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं आते हैं, एक आधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए वो एक दूसरा प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। सो आपको मतलब आधे घंटे में आप दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अगर दो प्रॉब्लम्स अगर आते तो कैलकुलेशन मतलब आराम से और एग्जैक्टली कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। सो इसका जो आंसर है उसका आंसर आता है, मेरा आंसर आया है 613.592 इंटू 10⁻³ mm रेस टू 4, दिस इज माई फाइनल आंसर। आप लोगों को भी एक बार क्रॉस चेक करना है कि जो मेरा कैलकुलेशन, कभी कभी कैलकुलेशन मेरा भी गलत हो सकता है, सो यू शुड ऑल्सो चेक इट, क्लियर। सो इस तरह के सिंपल्स भी प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैज एक्सटर्नल डायमीटर, हैज एक्सटर्नल डायमीटर 100 mm विथ 10 mm वॉल थिकनेस, विथ 10 mm वॉल थिकनेस। कैलकुलेट इट्स पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट इट्स पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अभी यहां पे देखो, यहां पे हॉलो
सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। सो पहले हम उसका डायग्राम निकालते हैं, जिसका आउटर जो डायमीटर होगा या फिर जो एक्सटर्नल डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर 100 mm दिया है, लेकिन इंटरनल डायमीटर हमको पता नहीं है। यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू पता है हमको, कैपिटल डी इज इक्वल टू, इसके सॉल्यूशन में मैं लिख के रखता हूँ, सॉल्यूशन में कैपिटल डी इज इक्वल टू एक्सटर्नल डायमीटर दैट इज इक्वल टू 100 mm, बट यहाँ पे हमको इंटरनल डायमीटर पता नहीं है। टू फाइंड आउट द इंटरनल डायमीटर, बट दे हैव मेंशन हियर 10 mm वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस कितनी मेंशन की गई है? 10 mm वॉल थिकनेस मेंशन की गई है। सो ये जो इंटरनल डायमीटर है, इस इंटरनल डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? सो डी इज इक्वल टू, डी इज द इंटरनल डायमीटर, वॉट एवर द आउटर डायमीटर माइनस टू टाइम्स थिकनेस, माइनस टू टाइम्स थिकनेस करना है आपको। ओके, तो ये फार्मूला याद रखना है। अगर आप दो टाइम्स माइनस थिकनेस को माइनस करोगे तो आपको उसका इंटरनल डायमीटर मिल जाएगा। सो 100 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 20। सो हमारा आंसर आएगा 80 mm। सो उसका जो इंटरनल डायमीटर होगा, इंटरनल डायमीटर कितना मिल चुका है अभी हमको? 80 mm मिल चुका है। क्लियर? नाउ अभी इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए, तो ये हमको मिल गया जो अपना इंटरनल डायमीटर था, इंटरनल डायमीटर इज 80 mm। अभी हमको फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द आईपी। आईपी इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन, फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे उसका फार्मूला क्या होगा? जैसे हमको फार्मूला पता है, दैट इज इक्वल्स टू आईपी फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको आईएक्सएक्स और आईवाईवाई फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू आईएक्सएक्स प्लस आईवाईवाई। और ये क्या है? इट इज अ हॉलो सर्कुलर सेक्शन। सो हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए आईएक्सएक्स और आईवाईवाई ये दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम ही होगी, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं, सॉरी डिफरेंस होगा ही नहीं, ये दोनों की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। सर्कुलर सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, बाकी अगर कोई ट्रायंगुलर या फिर रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है तो उसमें वो वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो आईएक्सएक्स और आईवाईवाई की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। सो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? आईएक्सएक्स फाइंड आउट करेंगे, विच इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या रहेगा? पाई बाय 64 डी रेस टू 4 इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल डायमीटर रेस टू 4 माइनस स्मॉल डायमीटर रेस टू 4। सो पाई बाय 64 को मैं डायरेक्टली 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 64 ऐसे लिख देता हूँ। कैपिटल डी रेस टू 4, सो कैपिटल डी कितना है यहाँ पे? 100 रेस टू 4 माइनस स्मॉल डायमीटर इज 80 रेस टू 4। तो पहले जब कैलकुलेशन करोगे ना, तो कैलकुलेशन करने के लिए पहले आप इसको सॉल्व करना है, आपको ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ना उसको सॉल्व करना है। फिर उसको सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे? डायरेक्टली मतलब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, ब्रैकेट का जो भी आंसर आएगा उसको आपको यहाँ पे उसको, मतलब ये 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 64 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, IXX मिलेगा। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, हमको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए बोला। सो इसका आंसर आता है 2.898 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू पावर 6 mm रेस टू 4। ओके, और यही वैल्यू क्या होगी? IYY के लिए भी सेम वैल्यू होगी। सो जो हमारा IP है, दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू IXX प्लस IYY। So, IXX की वैल्यू कितनी है? 2.898 into 10 raised to power 6, ये IXX है, और IYY की भी वैल्यू क्या है? सेम ही है। सो प्लस अगेन, इसको मैं ब्रैकेट में लगता हूँ, प्लस अगेन 2.898 into 10 raised to power 6। So, इन दोनों को एडिशन करने के बाद आपको फाइनल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, दैट इज
5.796 इंटू 10^6 एम रेस टू 4, ये होगा आपका फाइनल आंसर, दैट इज पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर। सो इस तरीके से आपको ये पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की भी प्रॉब्लम क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। अभी क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ऑलमोस्ट दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपको घर पे सॉल्व करके उसका आंसर आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करता हूँ, मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। ओके, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ क्वार्टर सर्कल, ऑफ अ क्वार्टर सर्कल ऑफ 100 mm रेडियस, ऑफ 100 mm रेडियस अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू, अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू, अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स सीजी, इट्स सीजी। ओके, यहाँ पे क्वार्टर सर्कल के लिए पूछा गया है, तो क्वार्टर सर्कल का पहले आप लोग क्या करो, एरिया फाइंड आउट करो, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो पहले आप क्वार्टर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्वार्टर सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। मैं यहाँ पे सिंपली आपको फार्मूलेज लिख के देता हूँ, एरिया इक्वल टू क्या होगा, पाई बाय 4 आर स्क्वायर। तो रेडियस तो यहाँ पे मेंशन की गई है, दैट इज रेडियस 100 mm रेडियस उन्होंने मेंशन की है, सो सिंपली आपको वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है आपको, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आई एक्स एक्स और आई वाई वाई इन दोनों की वैल्यू कैसे आएगी, सेम ही आएगी। उसका इक्वेशन का फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला क्या है, 0.055 आर रेस टू 4। तो इससे आपको क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया by using this IXX is equals to IYY is equals to 0.055 R raised to 4, इससे आपको first मिल जाएगा। और second जो radius of gyration है, वो radius of gyration find out करने के लिए आपके पास KXX is equals to under root of IXX divided by area, इससे आपको क्या मिल जाएगा, radius of gyration भी मिल जाएगा। okay, so इसको solve करो, मैं नेक्स्ट क्लास में इसके सारे के आंसर्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा उसका आंसर क्या होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।